सावन के महीने में महिलाएं बिना लहरिया पहने बिना उत्सव मनाए कैसे रह सकती हैं? महिलाओं के लिए इन महीनों में स्वास्थ्य का ख्याल रखना भी उतना ही आवश्यक है जितना कि सावन के उत्सव को सेलिब्रेट करना। महिलाओं के स्वास्थ्य सावन और लहरिया के सरोकार पर ध्यान रखते हुए कमल प्रिया संस्थान ने लाइव टॉक शो का आयोजन किया। ये सावन हमेशा ही खुशी, खुशी की लहर, जीवन, इसी का प्रतीक रहा है। राजस्थान में नहीं, पूरे भारतवर्ष में जब बारिश होती है तो सबके चेहरे पर खुशी होती है। राजस्थान में तो इसलिए कि चिलचिलाती गर्मी इतनी रहती है, और बाकी प्रदेशों में भी फसल, नई बीज बोते हैं, फसल आने लगती है, सबको एक नई आशा आती है कि अब अगले साल हमारा सब कुछ ठीक रहेगा। इसी तरह उसमें अगर लहरिया जुड़ जाए तो वो तो आपकी लहर है, वो आपकी जीवन की उल्लास की लहर है, और इसी में आप ज़रूरी है कि आप स्वस्थ रहें। अगर आप स्वस्थ नहीं रहेंगे तो ये सब आप कैसे एंजॉय करेंगे? जिस तरह सावन लहरिया निरंतरता का प्रतीक है, इस तरह हमारी भी यही आशा है कि आप निरंतर स्वस्थ रहें, और इसके लिए आपको हमारी कभी भी सेवाएं ज़रूरी हों तो हम तत्पर उत्पन्न हैं आपके लिए। और यही है कि सावन और स्वास्थ्य दोनों ही आपको खुशी, उल्लास और परस्परता ही दे। थैंक यू।